नथिंग लॉन्चर इज हियर। जब से नथिंग ने अपना नया फोन अनाउंस किया है, आप में से बहुत सारे लोग उसको लेकर एक्साइटेड हो। लगातार मेरे पास चैनल पर सवाल आते रहते हैं कि नथिंग फोन कैसा होगा दिखने में। अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने फोन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया है, पर यह शायद पहला आइडिया है हाउ द सॉफ्टवेयर ऑन द फोन कैन लुक लाइक, बिकॉज नथिंग ने अपना ये जो लॉन्चर है ये रिलीज कर दिया है। बहुत सिलेक्ट फोन्स पर ये लॉन्चर अवेलेबल है। कौन से फोन्स है, कैसे इंस्टॉल करना है और क्विक रिव्यू इसका जो है वो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। आप देख रहे हो फाइबर हिंदी, मेरा नाम है मानस तिवारी। एज ऑफ नाउ चार फोन्स पर नथिंग लॉन्चर अवेलेबल है। पहला सैमसंग गैलेक्सी S21, सैमसंग गैलेक्सी S22 जो मेरे पास है इस वक्त, पिक्सल 5, पिक्सल 6 जो इंडिया में नहीं मिलते। वन प्लस फोन्स पर बहुत जल्दी ये लॉन्चर आ जाएगा ऐसा नथिंग का कहना है। डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके नथिंग लॉन्चर का जो बीटा वर्जन है उसे डाउनलोड किया जा सकता है। एंड उसके बाद जो उसे अनेबल कैसे करना है वो बहुत अगेन ईजी है, बिकॉज सेटिंग्स में जाना है जो सैमसंग मेरे पास फोन है उसमें, एंड एप्स वाले विंडो में जाके यहाँ पर जो डिफॉल्ट होम ऐप है उसको यू हैव टू चेंज टू नथिंग लॉन्चर। और ये चेंज होते ही जो पूरा आपका होम स्क्रीन है फोन का दैट चेंजेस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये है नथिंग का लॉन्चर। बहुत ही नीट और क्लीन यहां पर लुक एंड फील है इसका। 4x5 लेआउट में जो है आपको होम स्क्रीन मिल जाती है, एंड 5x5 का भी ऑप्शन है तो उसमें भी स्विच किया जा सकता है। कुछ होम सेटिंग्स के ऑप्शन है यहां पर वो आप देख सकते हो। जो फॉन्ट का स्टाइल है वो अगेन वो जो डॉट स्टाइल नथिंग वाला होता है वो यहाँ पर यूज किया है। सो कलर और फॉन्ट स्टाइल से मैं उतना इंप्रेस नहीं हूँ, बिकॉज जो वॉलपेपर है उसके साथ ये बहुत ज्यादा ब्लेंड कर जाता है। और यहाँ पर टोटल 3 वॉलपेपर्स हैं, एक जो प्री अप्लाइड आता है वो, और 2 वॉलपेपर्स नथिंग ने इसके अलावा लॉन्च करे हैं। एंड ऑल ऑफ दीज वॉलपेपर्स आर अगेन नथिंग वाला जो कलर स्कीम है उसी के अंदर है। अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम है उसके बारे में आगे बताऊंगा। जो आइकन पैक है वो भी नथिंग का है, सर्कुलर राउंड आइकन्स हैं, दे लुक रियली गुड। और अच्छी बात यह कि लॉन्चर जो है थर्ड पार्टी आइकन पैक्स को भी सपोर्ट करता है, तो बहुत इजीली यू कैन गो एंड ऐड ऑल दोज आइकन पैक्स एज वेल। एंड अदरवाइज जो आइकन्स के बीच की स्पेसिंग है वो भी बहुत बढ़िया है। नीचे की तरफ यहाँ पर 4 आइकन्स हैं, जो गूगल का सर्च बार है वो उसके ऊपर रहता है, सो उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेस है। अगर स्वाइप अप करते हैं तो जो ऐप ड्रॉअर है वो खुल जाता है, वहां पर अगेन ग्रे बैकग्राउंड है एंड वेरी क्लीन वेरी स्नैपी ऐप ड्रॉअर। एक ऑप्शन है यहाँ पर ऑलवेज शो कीबोर्ड का, सो व्हाट इट डज बेसिकली अगर इसे एनेबल कर दिया तो जब भी ऐप ड्रॉअर खोलेंगे तो जो कीबोर्ड है वो अपने आप ओपन हो जाता है, सो दैट यू कैन ईजिली सर्च फॉर एनी ऐप। अगेन वेरी यूजफुल वेरी क्विक। यहाँ पर नथिंग ने अपने बीस्कोप विजेट्स भी दिए हैं। 3 विजेट्स हैं इन टोटल, एक डिजिटल क्लॉक है, एक एनालॉग क्लॉक है और एक वेदर का विजेट है। ऑल ऑफ दीज लुक गुड, द ओनली प्रॉब्लम इज, या तो मैंने कहा था वॉलपेपर के टाइम पर कि एक छोटी सी दिक्कत है, तो वो दिक्कत यहाँ पर है। बेसिकली क्या होता है, जब इन विजेट्स को होम स्क्रीन पर लगाओगे तो आप रियलाइज करोगे कि जो वॉलपेपर का कलर है उसके साथ ये बहुत ज़्यादा मर्ज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट दे डोंट स्टैंड आउट। सो दैट इज माई ओनली कंप्लेन विद दीज विजेट्स। नाउ एक बहुत यूनिक फीचर है यहाँ पर विच इज मैक्स आइकन्स एंड मैक्स फोल्डर्स। सो किसी भी आइकन को होम स्क्रीन पे जाकर अगर थोड़ी देर के लिए होल्ड करोगे तो एक ऑप्शन आता है उसे एनलार्ज या मिनिमाइज करने का। सो एनलार्ज करते ही वो जो आइकन है बाकी सारे आइकन से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एंड दैट इज वाई स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द होम स्क्रीन। वेरी गुड फीचर, लुक्स वेरी नाइस। सी ऑनेस्टली इस स्टेज पर नथिंग लॉन्चर बहुत ज़्यादा रॉ लगता है, कोई एज सच यूनिक या क्वालिटी फीचर्स यहाँ पर नहीं है अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स, बट फिर भी जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो काफ़ी नीट है, बहुत मिनिमलिस्ट है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जो विजेट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, थर्ड पार्टी आइकन्स का सपोर्ट है, स्पेशली जो मैक्स आइकन और मैक्स फोल्डर्स वाला फीचर है वो मुझे बहुत पसंद आया। सो इट शोज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, देयर इज अ चांस जब भी नथिंग का फोन आएगा उसमें यही सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट लुक एट द नथिंग फोन मे बी। सो हाउ डिड यू लाइक दिस, आपको कैसा लगा ये लॉन्चर, ये पूरा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ये आप मुझे वो नीचे जो डब्बा दे रखा है उसमें लिख के जरूर बताइएगा।